नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने तरुण गोगोई के स्वास्थ्य को लेकर फोन पर बात की और उन्होंने सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया। मुख्यमंत्री तरुण गोगोई कोरोना से आक्रांत हुए हैं। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने तरुण गोगोई के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री से फोन पर बात की। मुख्यमंत्री सोनोवाल ने गोगोई को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और सरकार से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई को गुवाहाटी कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य मंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने भी तरुण गोगोई के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की और कहा कि गोगोई के इलाज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी, ऊंचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी। महुआ विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पिछले 3 सालों से मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा में तत्पर। कोरोना जैसे महामारी को आए हुए 5 महीने हो गए, जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंद है, लेकिन इन्होंने इस संकट की घड़ी में भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अपने अस्पताल के माध्यम से। पिछले 5 महीनों से कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन मास्क का वितरण और लोगों के बीच घूम घूम कर इस बीमारी के खिलाफ सजग रहने की सलाह दी। महुआ विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कैंप के दौरान फ्री दवा का वितरण। क्यों करे विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। डॉक्टर आसमा परवीन, प्रदेश महासचिव जदयू बिहार, सहभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधानसभा 126। संस्थान मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जौहरी बाजार, हाजीपुर, वैशाली।